हमीरपुर में स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर अभी भी धुंधली है। शहर में लोग अभी भी खुले में शौच जा रहे हैं, जबकि सरकार घर घर शौचालय बनवा रही है। उच्च वर्ग संपन्न घरानों और कुछ मध्यम वर्ग के परिवारों को छोड़कर कुछ एक लोग आज भी खुले में शौच जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा शहर में जगह जगह सार्वजनिक शौचालय बने होने के बावजूद लोग खुले में शौच जाकर हथली कट के आसपास के इलाकों को प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमीरपुर नगर परिषद के सर्वे में हुए इस खुलासे से अब नगर परिषद भी सदके में आ गई है और इन परिवारों पर कार्यवाही करने के लिए काम किया जा रहा है। हमीरपुर नगर परिषद ने हाल ही में शहर में खुले में शौच जाने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में हथली कट व इसके आसपास लगातार 3 दिनों तक रोजाना आधा दर्जन लोग खुले में शौच करते पकड़े गए। सभी लोग प्रवासी निकले हैं। विभाग को पिछले कुछ समय से खुले में शौच करने की शिकायतें मिल रही थी। नगर परिषद ईओ विनोद कुमार ने बताया कि खुला शौच मुक्त हिमाचल होने के चलते खुले में शौच करना प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि हथली खड्ड के आसपास नगर परिषद के नदी नालों के पास खुले में शौच और गंदगी न फैलने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस और नगर परिषद गंभीरता से सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है। अर्थ मिशन के अंतर्गत हिमाचल के हर शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही ओपन डेफिकेशन को बंद करने के लिए जो है एक मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत जो है नगर परिषद हमीरपुर ने भी जगह जगह पैरवी की है, अपने एम्प्लॉयज को डिप्यूट कर रखा है और खासकर हमने हथली खड्ड के नज़दीक या साथ में बहते नाले जो शहर के पेरिफेरल एरिया हैं वहाँ भी हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया है। जो लोग नदी नालों में ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं जिससे पानी भी दूषित होता है और लोगों को मुश्किल होती है, तो इस करके हमने लोगों को बहुत ही जागृत किया है गांव-गांव जाके भी। और शौचालय के लिए उचित पैसे की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है नगर परिषद एरिया में। जो हथली खड्ड के साथ झुंगी है, झुंगी झोपड़ी है, उनके साथ ही हम नगर परिषद ने एक कम्युनिटी टॉयलेट, एक सार्वजनिक शौचालय जो हमने बना के रखा हुआ है और लोग उनको भी जागृत किया है। हम लगातार जो है उनके ऊपर भी देखभाल की जा रही है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज का कहना है कि हथली खड्ड के पास अस्थायी प्रवासी रहते हैं और नाजायज कब्जा सरकारी जमीन पर किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों के शय के चलते बिजली कनेक्शन भी मिल गए हैं। अगर इन प्रवासियों को यहां से हटाया जाए तो गंदगी की समस्या खत्म हो सकती है। परिषद में हथली खड्ड के साथ कुछ झुंगी झोपड़ियों वाले लोग रहते हैं जो कि हमारे स्थायी निवासी नहीं है। वो अस्थायी तौर पर काफी समय से वहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने सरकारी जमीन पर नाजायज तरीके से अपनी झुंगी झोपड़ियाँ स्थापित कर ली हैं और राजनीतिकों की वजह से उन्होंने वहाँ लाइट तक भी लगवा ली है और उनको पॉलिटिकल लोग जो हैं वे शह देते हैं। कई बार डीसी महोदय ने उनको उठाने की बात भी कही है, कोशिश की गई लेकिन वो उठ नहीं पाए। आज तक वो अपना वहाँ पर परमानेंट अड्डा जो है जमाए हुए हैं, वो इरंडल या लैटरिन जो है वो अपनी बना नहीं सकते हैं क्योंकि सरकारी जमीन होने के नाते पाबंदी है, इसलिए वो लोग सारे के सारे वहाँ बाहर ही शौच अभी जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वहाँ से वो नाजायज जो कब्जा है उसको शीघ्र हटाए। जब नाजायज कब्जा उठेगा तो वो लोग और ठीक मकानों में रहने लगेंगे और ये समस्या जो है वो हल हो जाएगी। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा शहर में स्वच्छता को लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन ये लोगों के सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं। आलम यह है कि नगर परिषद कार्यालय में खुले में शौच कर इन अभियानों को ठेंगा दिखाने की लगातार शिकायतें उजागर हो रही हैं। लिहाजा नगर के जिन क्षेत्रों में ज्यादातर लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं उन्हें नगर परिषद द्वारा किसी विशेष कार्यक्रम के तहत जागरूक करने की आवश्यकता है, तभी शहर को पूरी तरह से शौच मुक्त बनाया जा सकता है।